बात्या अशाणीर प्रभाव में अशांत हो समुद्र आजिपल्ली में समुद्र उच्च ढेरे ओलटिला मत्स्यजीवी डंगा डंगे बसीता पांच अधिक मत्स्यजीवी समुद्र में भासी जाता बेले सुरक्षित उद्धार से उच्च ढेरे दुईट डंगा भासी जाता बेले तीनोटी डंगा भांगी जाइछि लक्षाधिक टंकार जाल नष्ट गतकाली अपराह में आजिपल्ली में ओलटिला मत्स्यजीवी डंगा देखुचंद फास्ट विजुआल कोभली भाव डंगा टी ओलटी पड़ चित्र सामना को आसुच्छी चित्र सामना को आसुच्छी जो कथा आम कहूँ जो अश्विनी बात्यार प्रभाव रही आजिपल्ली समुद्र में उच्च ढेरे जो मत्स्यजीवी डंगाटी रही है डंगाटी ओलटी पड़ी डंगे बसी पांच अधिक मत्स्यजीवी समुद्र में भासी जाता बेले सुरक्षित भाव समस्त उद्धार करश्वस्तिकर खबर जो समस्त सुरक्षित भाव उद्धार करपरि उच्च ढेरे दुईट डंगा भासी जाता बेले तीनोटी डंगा भासी जा लक्षाधिक टंकार जाल नष्ट कहु तेज गत काली अपराह में आजिपल्ली में यह मत्स्यजीवी डंगाटी ओलटी तेज जेहेतु आसंता 24 घंटा मध्य बात्या अशाणी भीषण बात्यार बात्यारे परिणत हो स्थिति कौन पूरा ताजा स्थिति देखा आंध्र उपकूल आम प्रतिनिधि मनोज दास आम सहित तो जोड़ी होती गोपालपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित तो जोड़ी होती प्रथम मनोज आपण को चाहिए मनोज जहाँ सूचना रही आसंता 24 घंटा मध्य बात्या अशाणी भीषण बात्यार बात्यारे परिणत हो चित्र कौन देखुं कि चित्र पर आसला निश्चित निवेदिता देखो जहाँ पाक विभाग तरफ सूचना रही कि बर्तमान आसानी महावात्या रही बर्तमान जो बात्या रही महावात्यार परिवर्तन एवं आगू 24 घंटा जो आसूसी आसामी आगामी 24 घंटा भितर यह बात्यार परिणत हो किंतु जहाँ पाणीपाग विभाग सूचना रही कि बर्तमान ओडिशा उपकूल और आंध्र उत्तर आंध्र उपकूल रही है आम जमी गला विगत थर खबर प्रसारण करूँ कि जितेबाला गुलाब बात्या समय खबर प्रसारण करते जो मुहाँ रही कलिंगपाटन मुहाँ मुझे आपको दृश्य देखा चाहिए ये कलिंगपाटन मुहाँ ठारे ही से गुलाब जो लैंडफल करते स्थिति आकलन करत्यार गति के पाखापाखि 100 रु 120 किलोमीटर बात्यार गतिपथ तीव्रता रही है बर्तमान जो आसानी बात्या आसुची आसानी बात्या को लेकिन लगातार गत काली मध्यरात्रि 12 टू खरा उतरा तो लगातार देखा किंतु जदि पवन कथा कहता है बर्तमान अभी 20 रु 30 किलोमीटर घंटा प्रति पवन अनुभव करी प्रशासन तरफ सचे जो सतर्कवाणी कथा कहता है जो नाउरिया माने रही थे जो मत्स्यजीवी माने रही थे ये जो खास करके आम कलिंगपाटनम मछलीपाटनम एवं ये जो पालासा श्रीकाकुलम समुद्र कूड़िया अच्छा विजयनगरम ये सब अंचल जितने मत्स्यजीवी अच्छा पूर्व 24 घंटा पूर्व से जो सटिक मानने सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करतमान ये जो दृश्य देखुं ये हूँ कलिंगपाटनमर दृश्य जोटा आम जो खास कह कि विदेशी मैप अच्छी विदेशी जो ऐप रही ऐप्र आकलन हिसाब से चलित बर्ष जो एवं जो बर्तमान जो आसानी आसूसी तार तीव्रता पाखापाखि 80 रु 90 किलोमीटर रो झटका पवन कथा कहता जितेबाई आउ आगामी आउ 6 रु 7 घंटा पर झटका पवन अनुभव होवार आशंका करा नियति भाव में आम कहीपर कि जितेबाला केवल उत्तर दक्षिण आमर जदि ओडिशार किसी उपकूल अंचल सहित जो उत्तर मैं कौचे आंध्र प्रदेश किसी जगह माड़ हम तो ये जो मुहाँ रही बर्तमान ये दृश्य देखुए ये हूँ नागावली नदी और ये जो आम समुद्र कह ये दुईट संजोग कर जो मुहाँ रही ये रही स्थान ये दुईट नदी समुद्र ये संजोग करा सहित जदि कह जो पवन बर्तमान लगी बात्या प्रभाव लगातार पागर परिवर्तन होगा लगी जो लगातार पवन होवन होगा जो देख पारे समुद्र ये अशांत रोचे लगातार और जुआर मैं कह कैमेरामैन को अनुरोध करी जुआर को देखे कि जो लहड़ा रही देखिपे कि लगातार लहड़ा जो दिन कु दिन मानने प्रत्येक हरेक मिनिट्रे लहड़ा बढ़ाक लगी तार जो तीव्रता जो पवन रो बात्यार तीव्रता धीरे धीरे अनुभव होगाक लगुच कि जो पाणीपाग विभाग आकलन कर आगामी किसी समय पर जो निहाती भाव में प्रभाव पड़ो हे तो स्थलभाग को न छुई पारे कितु जदि आम कहीपर स्थलभाग न छुईले जीक दूरतार गतिक्रम कर तो निहाती भाव में वर्षा सहित जो लगातार
मनोज समुद्रर चित्र बदलुची धीरे धीरे उच्च लहड़ी आसुची जेहेतु बात्या आशानीर प्रभाव सेतेटा पड़िबो नाही किंतु समुद्र उपकूल रे किछ मात्रा रे पवन एवं वर्षा रो चित्र देखिबा को मिलुची जहां आंध्र उपकूल रो आमे ताजा चित्र आम प्रतिनिधि मनोज आमको देखाउथिले पीतांबर नाहक आम प्रतिनिधि गोपालपुर सदास काम सहित जोड़ी होउछंती पीतांबर गोपालपुर रो चित्र कोन देखुछंती आपण विशेष करी गतकाली जो चित्र सामना को आसला डंगा बुड़ी रे मध्य किछ व्यक्ति डंगारु गळी पड़थिवार चित्र आमे देखुथिले उल्टी पड़िबार जोगु सेमानको मध्य सुरक्षित उद्धार करा जायछि दुईटी कथा जानिबाकु चाहिबु जे वर्तमान बात्या आशानी को नै गोपालपुर चित्र कोन एबो जो डंगा बुड़ी घटना रे सेमाने समस्त बे सुरक्षित त निवेदा देखंतु जेतेबेले गतकाली आपण जानिचंती जे गंजामर सोनपुर रे केमती जेंबुळी हाबरे मझी समुद्र रे डंगा फसिला एवं तांकु एयर लिफ्टिंग करा गला किंतु सेही भितरे आउ गोटे चित्र मध्य सामना को आसिला जे आर्यपल्ले मध्य जे डंगारे पांच जण मत्स्यजीवी थिले सेमाने मध्य समुद्र उपकूल को जेतेबेले सेमाने फेरुथिले आर्यपल्ले कि फेरुथिले ठीक सेही समय रे उच्च ढेउ मध्य ज्वार आसीथिला काहेकि ना काली अपराह्न समय रे समुद्रर रूप निश्चित भाबे गोटे अति भयानक थिला काहेकि ना पूर्वरु बात्या जाइछि किंतु जो उपकूल रे बाड़े होइछि किंतु जेहेतु आशानीर रूप हुए तो समुद्र भितर ही देखा जिवो तो याकु नहीं कि समुद्र अत्यंत भयानक रहउछि आ सेही स्थिति रे जदि देखिबा गतकाल दुई दुईटी चित्र सामना को आसिला आपण जेमति कहथिले जे आर्यपल्ली घटना रे मध्य जेंबुळी भाबरे संपूर्ण भाबे पांच जण मत्स्यजीवी बसिथिले से डंगा रे एवं सेमान जेतेबेले उपकूल को आसुथिले एवं आउ गोटे दस मिनट रु पंदर मिनट पहुँचिथिले सेमाने उपकूल रे मध्य पहुँची पारिथान्ते किंतु सेतिकि भितरे समुद्रर अशांत रूप संपूर्ण भाबे डंगा को संपूर्ण भाबे बुड़ई देला एवं जहाद्वारा कि से मत्स्यजीवी माने मध्य से पानी भितरे ओलटी पड़िथिले एवं सेमानकु दौड़ी साहाज्य रे सेमानकु टाणिकी बाहर को बाहर करा गला एवं विशेष करके जेहेतु से माने मत्स्यजीवी माने समुद्र रे जो भाई भाव में अति दीर्घ समय धरिकी से माने काम करचंतांकर एक्सपीरियंस रही से ही अनुसार तांकर अभिज्ञता ही तांकु साहाज्य कला अन्यपटे दुईटी डंगा संपूर्ण भाव भासी जाइथिबा बेले तीनोटी डंगा मध्य बुड़ी जाइथिबार मध्य चित्र सामना को आसुची ठीक से भाई भाव आपण जमी कहते जे पाणीपागर मिजाज कथा कहबा गोपालपुर चित्र कथा कहबा हुए आउ किछ समय पर आपको गोपालपुर चित्र देखाइबु किंतु गत काली राति ठारु गंजाम रे गत काली राति एवं आज पहांतिया समय रे प्रबल वर्षा होइछि कहले चले जे भाई भाव रंगेलुंडा ब्लॉक एवं गोपालपुर गंजा ब्लॉक छत्रपुर ब्लॉक यही चारोटी ब्लॉक रे वर्षा होइछि किंतु किछि समय पूर्वरु जे भाई भाव वर्षार परिमाण मध्य आस्ते आस्ते बढ़ुला किंतु केतेबेले घंटे जो भाव में पंदर कोड़े मिनट झिपझिप वर्षा होउछि आउ पंदर कोड़े मिनट खरा होउछि यही भाव में पाग रही तो निश्चित भाव लोक मैंने हे तो जातायात करें कौन असुविधा होेतु आस्ते आस्ते बर्षार परिमाण बढ़ुची किंतु जो भाव में पापाग विभाग सूचना रही बर्षार परिमाण आज सन्धार जेहेतु आज सन्धार परिमाण बढ़ी पारे तो या कि गोपालपुर को दुई नंबर संकेत जारी कर आउ गोटे कथा हूँ भुवनेश्वर आंचलिक पापाग विभाग जमीक सूचना दे गोपालपुर ठार् अति कम दूर रे आसानी तार क्रसिंग देखाइब आसानी तार क्रस कर तो गोपालपुर को मध्य गोटे विपद कही पारे जो भाई भाव में मत्स्यजीवी मैंने डंगा को केमती पूरा उपरको आणवे एवं जो समुद्रर तलिया अंचल मत्स्यजीवी मैंने डंगा रखिंट ताकु केमती इवाकुएसन करा जिवो से प्रोसेस मध्य आउ किछ समय पर आरंभ हबो हुए ता मैं से प्रोसेस आउ किछ समय पर आपनको मध्य देखाइबु तो मोटामोटी भाबरे कहबा गले वर्षा आरंभ होईछि किंतु एबे मात्र पांच मिनट पूर्वरु खरा पागर मिजाज रहुछि किंतु तापरे पुणी आउथरे आकाश मेघाछन्न होउछि पुणी आउथरे वर्षा होउछि तो एमती गतकाली रातिरु वर्षार परिमाण बढ़िछि पाहंतियारे मध्य वर्षा होउथिला सकाळु झिपझिप वर्षा होउथिला एबे विगत पांच मिनट सात मिनट हबो पाग संपूर्ण भाबे शुखिला रहिछि एवं जहारि फळरे लोक माने मध्य जातायात आउ गोटे कथा जिला प्रशासन प्रस्तुति गर्भवती महिला मानकु विशेष करिकि प्राधान्य दि जाउछि आशा निकु नेकि गर्भवती महिला माने केमती स्थानांतरण होइ परिबे जदि आज अपराह्नु वर्षा परिमाण बढ़े तेबे गर्भवती महिला मानकु चिन्हट कर मैपिंग एसआरसी जमीक निर्देश रही है जे मैपिंग करिबा एवं जिला प्रशासन गत काली संध्यारे मध्य जिलापाल एने की प्रतिक्रिया देउथिले जिला प्रशासन पक्षर मैपिंग करमती इवाकुएसन दुईटी तीनोटी ब्लॉक जमीक चिकिटी सामुद्रिक उपकूलवर्ती अंचल एवं विशेष करके जो भाव में पात्रपुर अंचल यही सब अंचल को केमती प्राधान्य दिजिव पहाड़िया अंचल जो
तळिया अंचलवासी अछंती लोक माने अछंती सेमानकु मध्य जदि आसंता काली वर्षार परिमाण संध्या बेले आकलन करा जीव वर्षार परिमाण केते होई पारे तो याकु दृष्टि रे करी होता आज संध्या रे मध्य इवाकुएशन प्रोसेस मध्य स्टार्ट हेबो मोटा मोटी भाबरे कहबाकु कोले प्रशासन प्रस्तुत अछि सत किंतु जतेबेले आसानी रो वर्षार परिमाण बढ़िबो चासी कुल किंतु गोटे पटे हतादार हेबो हुए तो बेसी किसी क्षति न करी पारे किंतु चासी कुल संपूर्ण भाबे जो जो चासी माने चिना बादाम चास कथा कहिबा विभिन्न पनीपरिबा चास लगाण वर्षा हेबो जो कथा आपण कहतले जे वर्षा किछि मात्रा रे होउछि पुणी खरा होउछि पागरे परिवर्तन आसुछि आ जेतु पाणी पाक विभाग जहा आकलन करतले जे आज संध्यारु विशेष करी गंजाम गजपति एवं पुरी ए तीनोट जिल्ला को अलर्ट करा दैछि तेनु संध्या बळकु ए तो पागरे पूरा अपुरी भाबे भिन्न परिवर्तन देखिबा को मिलिबो जहा पाणी पाक विभाग रो आकलन पितांबर आसिबे आपण पाको को हम सहित मनोज हम प्रतिनिधि दास को आंध्र उपकूल रु अछंती मनोज आपण से आंध्र उपकूल चित्र कोन देखुचंती पागरे किछ परिवर्तन आसुचि कि पितांबर जो कथा कहुतले जे गोपालपुर जो चित्र सामना को आसुचि जिपची वर्षा आउचि पुणी खरा आउचि पागरे टिके परिवर्तन देखिबा को मिलुचि जेतु पाणीपा विभाग आकलन करथले जे 10 तारिख रु राज्य रे वर्षा आरंभ होइजबो आंध्र उपकूल स्थिति कोन पागरे कोन परिवर्तन आपण देखुचंती मनोज ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲଗାତାର 8-8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ 8:30 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରେ ସକାଳ 8:30 ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବି ଆମେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ମଛଲିପାଟନମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିବା କେତେବେଳେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତ ପୁଣି ଲଗାତାର ଖରା ହେଉଛି ତ ଏ ବାରମ୍ବାର ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି କି ପ୍ରକୃତରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏଠି ପଡ଼ିବ କି ନ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଲାବ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକୁ ମିଳି ସବୁ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରାତି 9-9:30 ଭିତରେ ଏଠି ଗୁଲାବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ତାର ତୀବ୍ରତା ପାଖାପାଖି 110-120 କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ବିଦେଶୀ ଆପ୍କୁ ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ଆକଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବିଦେଶୀ ମ୍ୟାପ୍ର ଆକଳନ ହିସାବରେ କହିବା ଅନେକ ଅନେକ ସେ ଆପ୍ରେ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି ଆଜି ଦିନ 2 ପରେ ଉପକୂଳ ରହିଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଲଗାତାର ରହିବ ପାଖାପାଖି ଗତ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କଥା କହିବା ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା କଥା ଯଦି କହିବା ଆଜି ରାତି 9 ଆଉ ରାତି 3 ପାଖାପାଖି ଲଗାତାର ପବନର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ଖରା ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଥିଲା 10, 11 ଏବଂ 12 ଏ 3 ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସେନି ଯଦିଓ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ରିକର୍ଭ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଛି ସବୁ ଭିତରେ ନଜର ରହିବ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବାତ୍ୟା ଆସାନି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତାମ୍ବ ନାକ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ମନୋଜ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଆମକୁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।